Hello students, we are discussing here KVPY SA question paper which was held on 19th November 2017. So this is question number 18. Zara dekhte hain isme question kya bolte hain. In an experiment on simple pendulum to determine the acceleration due to gravity, a student measured the length of thread as 63.2 centimeters, diameter of pendulum bob as 2.256 centimeters. The student should take the length of pendulum to be, okay? So basically हमसे length of pendulum पूछी जा रही है. So अगर actually question, truthfully speaking, multiple levels पर बहुत ज़्यादा amazing question है, because इसमें कई सारी details हैं, जिनमें से अगर आपको एक भी detail नहीं पता, शायद अच्छे से, तो फिर आप शायद इस question को properly attempt नहीं कर पाएंगे. So level इस क्वेश्चन का काफ़ी अच्छा है डिटेल्स के हिसाब से. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ की, कि हम लेंथ मेज़र कैसे करते हैं. अगर हम पेंडुलम्स की बात करें, सो पेंडुलम की लेंथ एक्चुअली लेंथ ऑफ थ्रेड नहीं होती जनरली, जो हम अज्यूम करते हैं, बिकॉज पेंडुलम के अंदर, पेंडुलम में बेसिकली लेंथ ऑफ थ्रेड के बाद में जो मास लटकाया जाता है, आइडियल कंडीशन में वो पॉइंट मास होना चाहिए. पर अगर यहाँ पर डायमीटर ऑफ पेंडुलम बॉब दिया हुआ है, तो इसका मतलब पेंडुलम बॉब का एक रेडियस होगा या फिर उसका डायमीटर होगा. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड के लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज नॉट द लेंथ ऑफ थ्रेड. प्लीज ऑब्जर्व, लेंथ ऑफ थ्रेड अगर हम एल मानते हैं, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द इंटायर पेंडुलम इज दिस डिस्टेंस. कौन सी डिस्टेंस? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पी से लेकर के जो सेंटर ऑफ मास होगा इस बॉडी का, लेट अस से सी. सो पॉइंट पी एंड सी के बीच की लेंथ को हम लेंथ ऑफ पेंडुलम के नाम से जानते हैं, राइट? तो वो लेंथ किसके बराबर होगी? वो लेंथ होगी लेंथ ऑफ थ्रेड एल प्लस रेडियस के बराबर, राइट? सो एल इफेक्टिव की वैल्यू हमसे इस क्वेश्चन में पूछी गई है, एंड हमसे यही पूछा जा रहा है कि हमें लेंथ ऑफ पेंडुलम कितनी लेनी है. सो वो हुई इफेक्टिव लेंथ, राइट? एंड दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ थ्रेड प्लस द रेडियस ऑफ द बॉब. अगर सपोज कीजिए बॉब की जगह कोई और बॉडी है, तो देन उस केस में आप सेंटर ऑफ मास की लोकेशन की जो थ्रेड से डिस्टेंस है, आप उसे इस आर की जगह पर पुट करेंगे. इस केस में बहुत कन्वीनियंट है हमारे लिए, रेडियस आर उस डिस्टेंस को अज्यूम कर लेना, राइट? सो ये कितना हुआ? दिस इज गोइंग टू बी 63.2 प्लस 2.256 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज 2.256 जो है डायमीटर ऑफ पेंडुलम गिवन है, हमें रेडियस चाहिए. सो हमने इसे हाफ से डिवाइड कर दिया. ना अगर आप इसे प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, देन आपके पास में 64.328 सेंटीमीटर्स, यानी कि ऑप्शन ए के अंदर जो दिया हुआ है, वो वाला ऑप्शन आपको यहां पर मिलेगा. बट प्लीज बी वेरी केयरफुल, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि ये क्वेश्चन कई लेवल्स पर बहुत अच्छा है. सो दूसरा अच्छा लेवल इस क्वेश्चन का यहां पर आता है, कि इस जगह पर हमें ध्यान देना होगा कि हमसे पूछा क्या गया है. हमसे लेंथ पूछी गई है. अगर हम अर्लियर डेटा को देखें, तो लेंथ में आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल रहे हैं? आपके पास यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, राइट? 2 डेसिमल के पहले और 1 डेसिमल के बाद. बट हमारे आंसर के अंदर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की नंबर देख सकते हैं, इट इज 5. सो हमें हमारे आंसर को एक्चुअली उसी सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसमें जिस फिगर के अंदर हमें क्वेश्चन के अंदर डेटा दिया हुआ है, एंड दैट इज 3 नंबर ऑफ फिगर. सो एक्चुअली आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन फ्रेम करने वाले ने ऑप्शन ए दिया हुआ है, सो दैट कि जो लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान से नहीं सोचेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करते वक्त, वो गलत आंसर मार्क करेंगे. एंड हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को एंड ऐसे और क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, राइट? सो आई होप आप ये चीज़ समझे होंगे. एंड इन केस अगर आप वेदांत विक्लव्य के बारे में और जानना चाहते हैं, तो देन मेरा एडवाइस है कि आप उसे गूगल पर इसके बारे में सर्च करें. बेस्ट ऑफ लक.